Lila. Coming to an end, और हम बहुत खुश हैं कि आप सब हमारे साथ हैं. Free Fire survivors have come a long way with Free Fire. Free Fire के survivors ने इस साल throughout अपनी पहचान बनाई है, अपनी स्टोरी से हमें इंस्पायर किया है और उनकी स्टोरीज को सुनने का हमें मौका भी मिला है. तो साल ख़त्म हो रहा है, Free Fire के इवेंट्स हैं वो चलते जाएंगे. The new age event is coming with free gifts just like free pet, free gun skin, free backpack, free bundles and lots more. So do not forget to like, share, subscribe to the channel to get the latest information and to know how to claim these gifts. हर बार की तरह इस बार भी इस शो पे हम आपके लिए गिफ्ट कोड्स लेकर आए हैं. इस शो में आपके लिए होंगे दो गिफ्ट कोड्स. नंबर वन कटाना वर्ल्ड विंड ब्लेड, नंबर टू इज ब्रॉन्ज हॉर्स लूट बॉक्स. कटाना वर्ल्ड विंड ब्लेड के जो गिफ्ट कोड हैं वो दो दफा आएंगे लिमिटेड टाइम के लिए, तो आपने फौरन से इसको एंटर कर देना है. एंड इन गिफ्ट को क्लेम करने के लिए आपने अपने फ्रेंड्स को इन्वाइट करना है कि वो ये शो देखें और आपने एंड तक इस शो को देखना है. क्या आपको पता है फ्री फायर साल के एंड में एक और अमेजिंग मैप लेकर आ रहा है जिसका नाम है एल्पाइन. इस मैप की ये खास बात है कि पाकिस्तान सबसे पहले इस मैप को एक्सपीरियंस करेगा 25 दिसंबर को. क्या आपको इस मैप के हिस्टोरिकल फैक्ट्स के बारे में जानना है? जी हाँ, मैं आपको बताऊंगी. एल्पाइन एक सदर्न मोस्ट आइलैंड है, इसके आसपास बहुत सारे आइलैंड्स लोकेटेड हैं. एल्पाइन जो है पहले एक फिशिंग विलेज हुआ करता था, लेकिन वॉर टाइम पे ये एक मिलिट्री आउटपोस्ट बन गया ताकि ये मिसाइल्स और सबमरीन अटैक से प्रोटेक्टेड रहे और आसपास के जो आइलैंड्स हैं वो भी प्रोटेक्टेड रहे. रीसेंट टाइम में जो उसका बेस है वो अब तक मेंटेन है और साथ साथ वेदर स्टेशन भी बिल्ट किया गया है. सो एल्पाइन मैप को आज हम एक्सपीरियंस करेंगे बाय क्रिएटिंग द वेरी फर्स्ट द अमेजिंग रेस इन फ्री फायर वर्जन. इज इट एन एक्साइटिंग? नो इट्स नॉट, नॉट अंटिल वी हैव आवर स्ट्रीमर्स ऑन बोर्ड. सो वी हैव 8 स्ट्रीमर्स जो डिवाइडेड हैं चार टीम्स में, वो खेलेंगे दो राउंड्स. पहले राउंड में होंगे 5 मिशंस. वो 5 मिशन क्या होंगे मैं आपको साथ साथ बताती रहूंगी, लेकिन उन मिशंस को जीतने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो है स्पीड. स्पीड इज द की टू विन दीज मिशंस. एंड देन राउंड 2 में होगा हमारा बैटल रॉयल मैच, जिसमें यू कैन गेट अ बूया और उसमें आपको मिलेंगे 5 पॉइंट्स और जो विनर होगा उसको मिलेंगे 20,000 डायमंड्स. भाई मैं तो बहुत एक्साइटेड हो रही हूँ, तो मैं अपने स्ट्रीमर्स को बुलाऊंगी. सो प्लीज वेलकम फर्स्ट एजेंट हॉप, हबीब गेमिंग एंड आरकेजी आर्मी. एजेंट हॉप, आपको कैसे हैं? ठीक ठाक, आप सुनाइए. मैं ठीक ठाक, आप लोगों को कैसा लग रहा है? बहुत एक्साइटेड हूँ और देखेंगे मजा आएगा बहुत. यस, मजा बिल्कुल आएगा. तो आप लोग अपनी सीट पे बैठें और अपने आप को प्रिपेयर करें. थैंक यू. सो मूविंग ऑन टू डॉक्टर बीनी, अनयूजुअल गेमर प्लस जिद्दी पठान. आप लोगों को कैसा लग रहा है? बहुत ही अच्छा लग रहा है, चार टीमें और जितने काफी कोशिश करेंगे, एक्साइटमेंट लेवल ये. चलिए ये है, तो आप लोग अपनी स्ट्रेटजीज जो है वो बिल्ड करें. Moving on to Yeti, Hyderabad Squad Gamer plus AJ Gaming. Excited नहीं लग रहे? मैं excited हूँ कि ये लोग game खेलने वाले हैं. And last but not the least, Mooni Zen Gaming plus A7K Gaming. Woohoo! So we have all our 4 teams, which is Adrian Hobb, Dr. Beanie, Yeti and Mooni. But I'm very very sad क्योंकि मेरे co-host मेरे साथ नहीं है. आप उन्हें बहुत अच्छे से जानते हैं, बहुत अच्छे caster हैं. उनका नाम है सलू. Please welcome सलू on the show. We are survivors. We are survivors. Race लगी हुई है. मैंने सोचा सबसे पहले मैं पहुंच जाऊं यहाँ पे सर. हाँ, क्योंकि शो का नाम अमेजिंग रेस है, तो सबसे पहले मैं पहुंचने की कर रहा था. मुझे बहुत ही ज्यादा तेज जल्दी जाने की बहुत ज्यादा शौक हो रहा है. तो हमने अपने स्ट्रीमर्स को पहुंचा दिया, अब हम भी अपनी सीट बिल्कुल आ जाएं. बिल्कुल आ जाएं. तो चलते हैं हम अपने पहले मैच की तरफ जिसका नाम है द मैराथन. Thank you.
इसमें हमारी जो टीम्स हैं वो पांचों राउंड्स को हैं कंप्लीट करेंगी, उसके बाद आपको मिलेंगे पॉइंट्स। तो वो है पॉइंट्स, सबसे पहले जो टीम फिनिश करेगी उसको मिलेंगे 3 पॉइंट्स, सेकंड पे 2 पॉइंट्स, थर्ड पे 1 पॉइंट और जो फोर्थ पे होगी उसे मिलेगा उबला हुआ अंडा जो कि सरा सर्दियों में बहुत ही ज्यादा जरूरत है उसकी। बिल्कुल, जो हमारे 5 राउंड्स हैं उनके नाम मैं आपको बताती चलूंगी जैसे ही हम गेम स्टार्ट करेंगे। सो सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि पहले 4 राउंड्स तक आप एक दूसरे को शूट नहीं कर सकते, आपने सिर्फ अपने मिशन जो है वो कम्प्लीट करने हैं और आप बिना वजह आइटम्स लूट नहीं कर सकते जो मिशन से रिलेटेड ना हो। बिल्कुल, और साथ में स्नोफॉल की अगर हम बात करें जो कि आप लोगों के लिए स्ट्रीमर्स बहुत ही ज्यादा जरूरी है, वो आपको बुया करने पे, स्नोफॉल पे बुया करने पे मिलेंगे 5 पॉइंट्स जो कि प्लस पॉइंट हो सकता है किसी भी टीम के लिए। गेम चेंज हो सकता है। यस, अच्छा स्नोफॉल की ये बात है, जो भी आपने प्रीवियस राउंड्स में जो आपने आइटम्स लूट किए होंगे वो काम ही नहीं आएंगे यार आपके, आपने वो सब कुछ छोड़ देना है और आपने नए सिरे से आइटम्स को लूट करना है। तो जो सबसे पहले स्नोफॉल मैप तक पहुंचेगा उसे सबसे ज्यादा अच्छा मौका मिलेगा कि वो और आइटम्स लूट कर सके। बिल्कुल, जो टीम सबसे पहले पहुंचने में कामयाब रहेगी वो बजाएंगे अपने सामने जो बेल है यानी कि घंटा बजाएंगे और हम पहले कंफर्म करेंगे क्या ये सच्चाई इधर नजर आ रही है, उसके बाद ही हम कंफर्म करेंगे इस चीज को। सो इट्स ऑल टाइम्ड और जो हमारा फाइनल राउंड होगा स्नोफॉल उसमें जो आपने जितने भी पहले आइटम्स हासिल किए होंगे वो सब वेस्ट करने पड़ेंगे और नए सिरे से आपको आइटम्स लूट करने पड़ेंगे। आप एक दूसरे को मार भी सकते हैं और जो सबसे पहले स्नोफॉल मैप पर पहुंचेगा उसे मौका मिलेगा बहुत ज्यादा आइटम्स लूट करने का और साथ साथ में मौका ये भी मिल सकता है प्लस पॉइंट बुया करने के साथ साथ 5 पॉइंट सिर्फ उसी टीम को मिलेंगे, बाकी सब टीम को दोबारा से मिलेगा उबला हुआ अंडा। यस, सो अगर आप हार भी रहे हो तो आप इसके जरिए जीत भी सकते हैं। बिल्कुल। तो जी, जो हमारा पहला राउंड है वो है रेल रोड। बिल्कुल, उसकी तरफ हम कैसे जाएंगे? उसकी तरफ जाएंगे क्योंकि फर्स्ट लोकेशन ही हमारी रेल रोड है। आपने जो हमारे स्ट्रीमर्स हैं लैंडिंग करनी है पैराशूट से और उस एरिया में आना है सरहा। यस, और उस लोकेशन में आपको एक मेडिकल किट और एक हैंड वेपन लूट करना है। हर टीम को एक ही वेपन और एक ही मेडिकल लूट करना है। सो जो हमारी एजेंट हॉप है आप लोग एक एक आइटम लूट करेंगे, डॉक्टर बीनी आप लोग भी, यति आप भी और मोनी आप भी। इसका मतलब सरहा आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो आपके पास वेपन है वो वेपन फायर वाला नहीं है, मिली वेपन है। Yes. जिसमें कटाना, बैट, साइती और साथ में आपके लिए पेन मौजूद है। So, आप लोग समझ गए कि किस तरीके से कर रहे हैं। और जो पहली टीम जीतेगी उसे 3 पॉइंट्स मिलेंगे, दूसरे नंबर पे 2 पॉइंट्स, तीसरे पे 1 और थर्ड पे उबला हुआ अंडा। यस। अच्छा, जब आइटम्स जो है आप लोग कलेक्ट कर ले तो आपने क्या करना है, क्या करना है? हाँ बिल्कुल, घंटा बजाने, बेल बजानी है सबसे पहले आप लोगों ने और हम उस चीज को कंफर्म करेंगे कि आप क्या अपनी जगह सही हैं या एम ही आपने टन टना टन टन कर दिया भाई। ठीक है, वो हम कंफर्म करेंगे और उसके बाद फिर हम बताएंगे जी वाकई में ये टीम बिल्कुल अपनी जगह पे सबसे पहले पहुंच चुकी है। और ये हम सब टाइम करेंगे तो जो सबसे पहले जो है वो कंप्लीट कर लेगा वो वहीं रुक के बॉनफायर करेगा एंड देन हम चेक करेंगे एंड हम सबका वेट करेंगे एंड देन हम कैलकुलेट करेंगे पॉइंट्स। और अभी के लिए तैयार हैं? हां जी, साथ में हमारी। आर यू गाइस रेडी टू एक्सपीरियंस द अमेजिंग रेस? प्लेयर्स अभी भी प्लेन के अंदर ही मौजूद हैं और बात की जाए पैराशूट की जो के हमें जाते हुए दिखाई दिए जा रहे हैं और सीधा जाते हुए दिखाई दिए जा रहे हैं और मुझे लगता है बहुत ही जल्दी अपनी मंजिल तक पहुंचने में। बिल्कुल, सिद्धि पठान भी जाते हुए दिखाई दिए जा रहे हैं जो बिल्कुल जैन है और जैन के साथ साथ दीदी पठान भी भागते हुए नजर आ रहे हैं, साथ में जैन जो कि मुनी हैं, हमारे बहुत ही अच्छे फ्री फायर के पैट्स हैं ये सरा और
काफी ज्यादा टाइम से और बैल बज गए। बिल्कुल बैल बज चुकी है, मोनी को मिलता है अभी तक। चेक करके आना पड़ेगा और देखना पड़ेगा, प्लीज आप कंफर्म किया जाएगा आपकी तरफ से कि क्या वाकई में ये सूरत हाल आपकी तरफ से दुरुस्त है कि नहीं है। पेन मेरे पास है, मेडिकेट उसके पास है। मेडिकेट दिखा दे, बैग खोलो प्लीज प्लीज प्लीज। एजेंट हॉप, नेक्स्ट इज एजेंट हॉप। खोलो बैग, मैं चेक करती हूं। मेडिकेट और बिल्कुल ओके एजेंट हॉप यार, सेकंड पे मिलता है एजेंट। एजेंट हॉप क्या, लेट्स आल्सो राइट डाउन। और वो बजा चुके हैं बेल। बिल्कुल आपको भी मिलता है और कंफर्म कर लें। कंफर्म करें। आपके पास क्या मौजूद है? खुशी को चेक करें। और आपके पास पेन मौजूद है, क्या ही बात है। अब दो टीम्स हो चुकी हैं, फर्स्ट को मिलता है मोरी को फर्स्ट पोजीशन, यानी के फर्स्ट पे आ चुके हैं सेकंड एजेंट हॉप, और थर्ड पे आ चुके हैं यटी। यटी आ चुके हैं। मेडिकेट आपके पास है, मिली वेपन नहीं है। अभी भी इंतजार कर रहे हैं, अभी भी इंतजार कर रही हैं तीन टीम। यटी कंफर्म है? बिल्कुल कंफर्म है, उनके पास भी मिली वेपन मौजूद है। आपके पास पेन कटाना कुछ भी मौजूद नहीं है। चलिए डू इट। सो मैं बताती चलूं कि मूनी टीम, मूनी जो है वो पहले नंबर पे आई है, देन सेकंड नंबर पे एजेंट हॉप, एंड देन थर्ड पे हमारे पास टीम यटी है, एंड देन फाइनली इन्होंने वापस एक घंटा बजाया। चेक करें, दोबारा से भी कंफर्म किया जाएगा कि आपको वो मिल चुका है। मिली वेपन दिखाएंगे? बिल्कुल मिल चुका है मिली वेपन, और फर्स्ट राउंड होता है यहाँ पे कंप्लीट। यस, सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू राउंड टू। और राउंड टू के बारे में बताएं कि राउंड टू है डॉक की तरफ जाना है। लोकेशन लगा लें, आप लोगों से गुजारिश यही होगी कि जल्दी से डॉक की तरफ लोकेशन लगा लें। अभी आप लोगों ने गेम स्टार्ट पहले हम बता दें, कर लें आप लोग, लेकिन कुछ भी व्हीकल का यूज नहीं है, सिर्फ भाग कर जाना है गाइस। भाग कर जाना है, आप पैराशूट से उतरा, अब आपने भागना है, स्पीड लगानी है। इस गेम को जीतने का एक ही तरीका है, वो है स्पीड। बिल्कुल, और वहां पहुंचकर आपको और क्या क्या चीजें मिल सकती है वो आपको, नहीं आपने जाके जो है वो एक जो है वो ब्लू वॉल जमा करनी है। पर टीम वन ब्लू वॉल आपने जमा करनी है, जो सबसे पहले जमा कर लूट कर लेगा वो बजाएगा अपनी बेल। बिल्कुल, और आपको ब्लू वॉल सर्च करनी है डॉक पे जाके, और जिसके पास ब्लू वॉल सबसे पहले मौजूद होगी, चाहे वो दोनों पेयर्स में से एक को भी मिल जाए, तो वो अपने लिए बेल बजा सकता है। और जैसे कि चार ग्लू वॉल है तो चार टीमों की एक टीम के पास एक ग्लू वॉल। मैं आपको रिपीट भी करती रहूं कि आपने ग्लू वॉल लूट करनी है, उसके बाद आपने राउंड टावर पे जाके उसे थ्रो करना है और फिर बजानी है बेल। ओके, यानी के आपने ग्लू वॉल लगानी भी है। यस, राउंड टावर पे जाके। ओके, तो राउंड टावर के पास लास्ट भी पहुंचना है आपने, कोशिश जारी है यहाँ से बात की जाए, जो कि हमारे पास जिद्दी पठान मौजूद है। ओ ओ, डॉक्टर बीने ने बजाई है। ओ माय गॉड, ओ सेकंड राउंड, क्या बात है, ग्लू वॉल मिल चुकी है और साथ में ग्लू वॉल लगा भी दी गई है। लगा दी गई है, मिलता है इस बार डॉक्टर बीनी जिनको लगा अंडा, उन्हें यटी ने बजाई है। यटी ने भी बजा दी है ग्लू वॉल। बिल्कुल ग्लू वॉल लग चुकी है। और सेकंड की बात की जाए, थर्ड की भी कंफर्म है, ग्लू वॉल लग चुकी है। एक टीम जो कि सेकंड थी फर्स्ट राउंड में सर, हाँ यस, फर्स्ट राउंड में मिल गया है अंडा। एक और पहला अंडा मिलता है हमारी टीम डॉक्टर बिनी को, दूसरा अंडा मिलता है एजेंट हॉप को। बहुत बहुत मुबारक हो आपको जी। सो अब मैं आपको बताती हूँ कि जो बीनी है वो टीम बीनी जो है डॉक्टर बीनी वो फर्स्ट आ चुके हैं, उनके हैं 3 points। यटी जो है वो आ चुके हैं सेकंड, इनके हैं 2 points। देन मूनी इज एट 1, एंड एजेंट हॉप आपको मिलता है 0 0 का अंडा मिल सकता है आपको। तो जी लेट्स मूव ऑन टू आवर राउंड 3 व्हिच इज वेंटेज। वेंटेज जो है वो थर्ड लोकेशन है, और देखिए अब तो हम पैराशूट से उतर गए। अभी रुक जाए, अपनी जगह पे मौजूद रहे, डॉक पे मौजूद रहे, वेंटेज पे जाना है आप लोगों ने, लेकिन वो कैसे जाना है मैं बताती हूँ। स्विम करके जाना है, स्विमिंग करनी है। yes, पेज की लोकेशन आपने डालनी है, स्विमिंग करनी है, पानी की तरफ से जाना है आपने। और आपने वहां जाके क्या जमा करने,
आपने गिनना है बिजली के खंबे कितने yes. बिजली के खंबे मौजूद हैं, और जिसने सबसे पहले वो गिनती की है आपने पेपर पे लिख लेना है, पेपर पे लिखने भी हैं और घंटी बजा देनी है, और घंटी बजा देनी है, और फिर हम बताएंगे आपको कि क्या आपका ये सवाल जो हमारी तरफ से था क्या वो सही है या गलत है, ये हम डिसाइड करेंगे। मैं वापस से बताती चलूं, इस राउंड में जो है वो आपने स्विम करके जाना है और आपने जो है पावर पोल्स को काउंट करना है और वो नंबर अपने पेपर पे लिख के आपने बेल बजा देनी है। पावर पोल काउंट करने हैं, बिल्कुल वो फोकस हुआ हुआ है, बिल्कुल कोई भी सामने से नजर नहीं आना चाहिए। गाइज मैं फिर से बताता चलूं आपको, हमारे साथ डॉक्टर बीनी मौजूद हैं, लेकिन एक प्लेयर स्विमिंग कर रहे हैं, दूसरा प्लेयर मेरे ख्याल से पानी से डर लगता है, साहिब पानी से डर लगता है। सो मैं आपको वापस से बता दूं, आपने काउंट करके पेपर पे लिखना है और वो आंसर प्लीज रिवील मत करिएगा, वरना जीरो मिलेगा, आपके लिए नुकसान है, दूसरी टीम का फायदा हो सकता है। भाई जीरो, डायरेक्ट जीरो, कोई पॉइंट नहीं मिल सकता। फायदा आपके लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है, और टीम आगे की तरफ बढ़ रही है। डॉक्टर बिनी की बात की जाए जिसमें दिखाई दिए जा रहे हैं हमारे साथ पानी के बाद अब करीब आ चुके हैं जिद्दी पठान, और साथ में बिल्कुल अनयूजुअल गेमर भी फाइनली पानी को क्रॉस कर चुके हैं और वेंटेज पे जाने की कोशिश की जा रही है, और यहां से भी स्विमिंग की जा रही है एजेंट हॉप की जानिब से, और यहां से आर के जी आर्मी भी कोशिश कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं हम भी पहुंच सकें वेंटेज की तरफ। और अभी के लिए बात की जाए यति की, तो यति क्या कहाँ दिखाई दिए जा रहे हैं, सारा देखा जाए यति किधर जाते हुए दिखाई दिए जा रहे हैं। इधर मिशन है बिजली के खंबे गिनने हैं आपने। यस, गिन के आपने वो नंबर अपने पेपर पे लिख लेना है और वो और बताना नहीं है, बताना नहीं है, नुकसान हो सकता है आपको। यस मुनी, खंबे गिनने हैं, खंबे आप पहुंच गए, ये गिनते रहे मुनी, गिनते रहे आप। जैन गेमिंग यानी कि सीधा एमिंग, ये मुझे लग रहा है थोड़ा थोड़ा टफ राउंड है, थोड़ा टफ राउंड। जैन गेमिंग यानी कि सीधा एमिंग, काउंटिंग करना मुश्किल है। वैसे आपको क्या लगता है सलू, कौन कौन जीतेगा? ओए होए होए होए, मुनी मुनी एंड देन एजेंट हॉप। ओके, अपने पास लिख लिया जाए, अपने पास लिख लिया जाए। फर्स्ट पे यति का अलार्म आता है और वो बजाते हैं टन टना। चेक करना, सबसे पहले हमने मुनी को चेक करना है, देन वी हैव डॉक्टर बीनी। फर्स्ट पे मुनी है, मैं समझ जाता शायद हमारे साथ यति है। और तीन टीम्स कंफर्म हो चुकी हैं जिन्होंने गिन लिए हैं पावर पॉल्स। Yeti is still left, right? वो अभी तक बहुत ज्यादा कोशिश कर रहे हैं कि क्या इतनी जो जल्दी हुई है उस चीज का उनको नुकसान हो सकता है। मैं आराम से स्लोली स्लोली जाके गिन कर आऊंगा, मेरे पास टाइम बहुत है ताकि मैं गलती नहीं कर सकूं। मैं भी चेक कर लूं, वैसे जाके मैं चेक करूं। आखिरी टीम आ जा, आ जा। नाइन नाइन लिखना है। जी मैं देख सकती हूँ, बताने की जरूरत नहीं है। ओके अच्छा जी, तो हम चेक करते हैं कि आंसर्स क्या हैं। बिल्कुल सरा, चेक करना पड़ेगा। सबसे पहले मुनी। तो मैं आपको साथ साथ बताती चलूं कि सबसे पहले जो है वो मुनी ने बजर दबाया था, और फिर जो है वो एजेंट ने हमारे बजर दबाया था, एंड देन इट वाज डॉक्टर बीनी, एंड देन इट वाज यति। आंसर इज 14, तो 14 जो है वो एजेंट हॉप ने किया है, तो उन्हें 3 पॉइंट्स मिलेंगे, और उसके बाद जो है वो जो एक टाई आंसर था, एक टाई आंसर था मुझे याद है, तो यहाँ तो चलाकी नहीं हो सकती। दो बंदों ने 15 लिखा था जो मैंने नोट किया था, सो इट वाज डॉक्टर बीनी एंड इट वाज यति, क्योंकि आप लोगों ने पहले बजर दबाया डॉक्टर बीनी, आपको 2 पॉइंट्स मिलेंगे, यति को 1 मिलेगा, एंड आई एम सो सॉरी आप लोगों ने पहले बजर बजाया लेकिन आपको मिलेंगे 0 क्योंकि 9 है ही नहीं। ओके, तो अब
जो के है चौथा राउंड, और वो हम ऐसे नहीं बताएंगे, वो है अगड़म शगड़म। ओए होए होए, वो राउंड हम नहीं बताएंगे, ऐसे नहीं बताएंगे, ये खुद मेहनत करके वो राउंड को देखेंगे कि आखिर वो क्या राउंड है। यस, ऐसी क्या खास बात है उस राउंड में। तो मैं ये पर्चे जो है, अब आप स्कूल में आ चुके, हम ये पर्चे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, आपने इसको डीकोड करना है, सॉरी आपने इसको डीकोड करना है, ठीक है? ओके, सो आप भी डिस्ट्रीब्यूट कर दें सालू। बिल्कुल, दो टीम्स हमारे साथ, और आंसर जो है प्लीज अनाउंस नहीं करिएगा, इस इधर लिख लीजिएगा जो ये आपने डीकोड करना है, उन नंबर से आपने कुछ अल्फाबेट चुनने हैं, इसके जरिए आपको राउंड फोर के बारे में पता चलेगा कि वो है क्या, वो है क्या आपको मिल सकता है, और हम हेल्प भी कर देंगे आपकी थोड़ी थोड़ी। 19 उसके बाद में 15। ओके ओके ओके, यहाँ पे बहुत ही ज्यादा, और ये जंबल्ड अप है, फास्ट सर्विस चल रही है भाई। उसके बाद अच्छा ई पांच का ई आता है, पांच का ई आता है, उसके बाद ई पुलिस का क्या आता है, 20 का क्या आता है, 18 आर ओके, ये जंबल्ड अप है, ठीक है, ये वर्ड बनेगा यस 15 की ई या यस। ओ वैसे सबसे क्लोज जो है वो डॉक्टर बीनी है, 6 किधर है, 6 इसके आगे भी इसको करना है, अभी स्कूल भी के करना है, भी आप लोगों के लिए जंबल्ड कर सकते हैं, यस यस, डीकोड करना है आपने, सॉल्व करना है, क्या क्या वर्ड हो सकता है, कौन सा राउंड है, और 4 ई स्पोर्ट डी अगले आप लोगों के लिए आसानी करूं मैं, आसानी कर दे, बेल बजा दीजिएगा प्लीज, आसानी कर सकते हैं आप लोगों के लिए, कर सकते हैं। ओके, तो बेल पहले बजाना था ना आपने, डॉक्टर बीनी एंड देन हो गया, पहले बेल, हर राउंड का फर्स्ट है बेल बजाना, फर्स्ट डॉक्टर बीनी आ चुके हैं, लेकिन एक मिनट, एक मिनट, फॉरेस्ट रेड आपने अनाउंस नहीं करना, आपने मैंने बताया था अनाउंस नहीं करना, आपने लिखना है, और लिख लें कि क्या है, लिखें इसको सॉल्व करें, अच्छा ओके, मतलब कि लेकिन पहुंच गए हैं साथ में, एजेंट हॉप की बात करें, अच्छा ये दिए, बस आप इसको सॉल्व करेंगे, ओके हो गया, कोशिश की जा रही है, कोशिश की जा रही है, ठीक है, नोट कर लिया, ये सब बता देंगे इसके, मैं बात बताऊंगी इनका सरप्राइज क्या है, ओके ये मैं आप लोगों को बता दूं, इतनी मेहनत कर रहे हैं ना, आप है। बड़े खुश हैं, एक वर्ड है, डॉक्टर भी नहीं बड़े खुश हैं, हमने सबसे पहले बता दिया कि आगे क्या होने वाला है, कुछ भी पॉइंट्स नहीं है इसके, एग्जैक्टली कुछ भी नहीं है, नहीं है, इतनी मेहनत कर ली, आप भी करो, क्या कर रहे हो, इसका कोई पॉइंट नहीं है, चलें भाई, इनकी भी मेहनत अच्छी है, इनकी भी मेहनत एक्स्ट्रा गेम है, यहाँ पे भी अच्छी मेहनत, यहाँ से भी अच्छी मेहनत, तो अब सलू हमें नाम तो बताने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी क्योंकि सॉल्व भी कर चुके हैं, बिल्कुल सॉल्व भी कर चुके हैं और काफी मेहनत की गई, yes, so let's move on to our fourth round, बिल्कुल, जिसका नाम है forest red, अब आपने vintage से जाना है forest red पे, तैयारी कर लें क्योंकि अभी आपको व्हीकल की जरूरत है, और यहाँ से forest red पे जाना है आपने व्हीकल का यूज करके, कोई भी व्हीकल यूज कर सकते हैं आप, बाइक भी यूज कर सकते हैं, जीप, मॉन्स्टर ट्रक, वो तो एयर ड्रॉप पे भी आ सकता है आपके लिए, और आपने इधर में, आपने इस राउंड में क्या करना है, आपने जाके जो है वो मेन बिल्डिंग की तरफ जाके खड़े हो जाना है, और दोनों मेंबर्स ने इमोट करना है साथ में, कोई सा भी इमोट हो सकता है, कोई सा भी हो सकता है, बिल्कुल कोई सा भी इमोट कर सकते हैं आप, तो ये आसान राउंड है, आपने सिर्फ मेन बिल्डिंग के सामने जाना है, आपने इमोट करना है, मैं सोच रहा हूँ कि इमोट जो है वो विक्ट्री का होना चाहिए, yes. बुया, जिस तरह आखिर में आपका बुया आपके लिए बॉल में 5 points इंतजार कर रहे हैं, तो हम साथ करते हैं ना, बुया 1 2 3 बुया, बिल्कुल ऐसे ही बुया करना है, ओके भाई गेम टफ होता जा रहा है, और ये हमारा फोर्थ राउंड है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बाद मार्क्स जो है वो बहुत काम आएंगे, मैं आपको बताती भी चलती हूँ कि अभी कौन किस पोजीशन पे है, बिल्कुल एजेंट हॉप एंड डॉक्टर बीनी आर एट अ टाई 5 points ऑल टुगेदर एंड येटी एंड मूनी एट 4 टिल नाउ, सो फोर्थ के बाद हमें पता चलेगा ये लोग कितने पॉइंट्स और हासिल करते हैं, अच्छा जैसे आपने बात करी है कि बुया इमोट लाजमी है, आपके लिए और आसानी कर देते हैं थोड़ी सी, कि आप कोई सा भी इमोट कर सकते हैं, बट वहां जाके जिसने सबसे पहले पहुंच कर इमोट किया वो बेल बजाएगा, घंटा लाजमी है, टम्प म्यूट, और अब मारना है,
चेक सबसे पहले चेक यहाँ पे गवर्नमेंट कोई बात नहीं आप पहुंच जाए सिर्फ पहुंच जाए सबसे पहले पहुंच चुकी है अभी भी कोशिशें जारी हैं डॉक्टर बीनी को चेक किया जाए डॉक्टर बीनी आप पहुंच गए रिमोट नहीं है तो चलो रिमोट नहीं है आप तो कर सकते हैं ना हाँ आप कर लीजिए यस दोबारा से 1 2 3 सेकंड होती है डॉक्टर बीनी कम ऑन टीम येटी एंड एजेंट हॉब यू कैन डू इट व्हीकल नहीं मिली लेकिन फिर भी हम भाग कर जाएंगे हम नहीं छोड़ेंगे हम पहुंचेंगे और ये कोशिश काफी अच्छी है व्हीकल नहीं मिली है लेकिन फिर भी पहुंचने की कर रहे हैं हम तो मौका दे रहे थे यहाँ आपके भाई आपके दुश्मन है व्हीकल जरूरी है बगैर व्हीकल के नहीं जा सकते टीम आप पे उंगली उंगली के साथ हाथ भी उठा रही है लाजमी आपने व्हीकल यूज करनी है व्हीकल के बगैर नहीं पहुंच सकते व्हीकल लाजमी है आरकेजी आर्मी और अभी येटी टीम येटी व्हीकल मिल गई व्हीकल मिल गई अभी टीम येटी इज गोइंग गुड आई कैन सी दोनों भी साथ में बैठ सकते हैं जल्दी से बैठे व्हीकल थी उनके साथ साथ उनके जो पहुंचे हैं वो व्हीकल थी उनके पास दोबारा से भी चेक कर लिया जाएगा आपके आसपास बिल्कुल व्हीकल मौजूद है ये देख आप वो थे मैं नहीं था वो आपके ऊपर उंगली उठा रहे हैं वो बार बार बता रहे हैं ये गलत कर रहे हैं वो इस तरीके से आपसे बात करी है उसने मैं बताती चलूं कि अब तक जो है वो पहले नंबर पे थी मुनी आई है तो उनको 3 points मिल चुके हैं डॉक्टर बीनी को 2 points मिल चुके हैं मुनी के अब तक ऑल टुगेदर 7 हैं और डॉक्टर बीनी के भी अब तक 7 ही हैं और एक टीम कोशिश कर रही है दो टीम्स हमारी दो टीम्स ओके मैं तो समझ ओके पहुंच चुकी है टीम एजेंट हॉप ओ या ओ भाई 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 हो गया तो कार मैक्स लेवल कार का इमोट लगाया जा रहा है अभी की तरफ से आप पहुंचे आरके जी ओके न्यू बंडल का इमोट जो कि हाल ही में ही लॉन्च किया गया है आरके जी आर्मी की जानिब से अब ये टी किधर हैं आप किधर हैं हम आपको दूर देखना वैसे येटी को पहुंच गए सलू येटी को वैसे जीरो ही मिलने हैं वैसे तो कोशिश कर लें वैसे भी कोई फायदा नहीं है आपका लेकिन मैं चाह रहा था कि कोशिश अच्छी चीज है ठीक है सो एजेंट हॉप जो है वो 6 points पे है डॉक्टर बीनी 7 पे हैं येटी 4 पे हैं मुनी जो है वो 7 पे हैं सो दो टाई हैं हमारे पास लेकिन कोई बात नहीं अभी हमारे पास एक बहुत स्पेशल राउंड मौजूद है जिसका नाम है स्नो फॉल और अब आप लोगों ने सारी लूट ड्रॉप कर देनी है रेडी हो जाएं डायरेक्ट आपका निशाना स्नो फॉल की तरफ जाना चाहिए टीम जीतेगी वो वेट करेगी और हमें पता चलेगा कि कौन सी टीम अपना बुआ लेने में कामयाब रही है यस सो आपने बेल जरूर बजानी है बेल लाजमी है ये 5 points का सवाल है क्या ही बात है पहुंच गए हैं और साथ में पहुंचने के साथ साथ एजेंट हॉप एंड येटी खेल करना है बुआ लेना है कौन सी बेल बजी जा रही है ये येटी ओके A7K गेमिंग की बात करें जो कि हुकोंग का यूज देखने को मिल रहा है इनकी जानिब से और फिलहाल के लिए वेट किया जा रहा है अकेले ही रह चुके हैं AJ गेमिंग की बात करें HYD स्क्वाड के साथ ही मौजूद है जो कि येटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जो कि हमारे बहुत ही जबरदस्त खूबसूरत पैड है साथ में हबीब गेमिंग की बात करें जो कि RKG आर्मी के साथ ही है एजेंट हॉप और देन साथ में मौजूद है आप पहुंच चुके हैं क्लोज रेंज की अगर हम बात करें जो कि हमारे साथ देखने को मिल रही है MAC-7 और अभी तक के लिए किल्स की बात करी आपने RKG आर्मी 1 किल के साथ ही मौजूद है साथ में HYD स्क्वाड 1 किल के साथ ही मौजूद RKG आर्मी को कंफर्म किया गया है HYD स्क्वाड गुड गुड गुड
टीम प्लेयर हलाक हो चुके हैं। बिल्कुल, देखा जाएगा कि क्या टीम हमारे साथ आगे की तरफ, कौन सी टीम भुया लेने में कामयाब रहती है। अभी के लिए मौजूद है और साथ में उनके साथ शाना बचाना चलते हुए AJ गेमिंग, 5 पॉइंट का सवाल। 5 टीम्स जा चुकी हैं हमारे दरमियान में से एक, और एक टीम हमारे साथ नजर आ रही है जो कि अभी के लिए 2 players still alive है। Yes, I can see. 2 players still alive है, बाकी players एक-एक रह चुके हैं। मुझे लग रहा है कि AJ गेमिंग हमारी टीम जीत सकती है। बिल्कुल जीत सकती है। शॉट लगाया गया, डाउन किया गया। ओ! एक टीम जा चुकी है। आखिरी 5 पॉइंट्स के लिए लड़ते हुए दिखाई दिए जाएंगे 2 players। बिल्कुल 5 पॉइंट का सवाल है और अभी भी लूट की जा रही है कि कहीं ना कहीं जो लूट रह गई है वो भी हम कंफर्म कर लें। बिल्कुल लेवल 3 के बैक के साथ मौजूद है और आगे की तरफ बढ़ते हुए। डू इट गाइस, डू और डाई का सीन लग रहा है मुझे। क्यों? दोनों ही टीम के सरा एक एक प्लेयर है। एग्जैक्टली, एक एक प्लेयर है, सिर्फ एक प्लेयर। दोनों प्लेयर्स को मिला के अगर हम बात करें जो कि दोनों टीम में से एक एक प्लेयर मौजूद है और सर्चिंग फॉर एनिमी की डिवाइस ऑन कर दिया है इन्होंने और शॉट लगाया गया और देख लिया गया है A7K गेमिंग 5 पॉइंट लेने की कोशिश। शॉट लगाया जा रहा है, बात की जाए यूजुअल काफी अधभरा कर दिया गया है। किसी एक को तो मरना ही है। बिल्कुल लाजमी बात है, इनहेलर का यूज कर रहे हैं भागते हुए भी, यानी कि आप अपनी हेल्थ इनहेलर के साथ और ज्यादा बढ़ा सकते हैं जल्दी। नहीं तो अगर मेडिकेट आप लगाते हैं सरा तो आपको बैठ के मेडिकेट लगानी होती है। इनहेलर की एक खास बात है जो कि आप भागते हुए अपने लिए इनहेलर यूज कर सकते हैं और अपनी हेल्थ और अपनी ईपी के साथ HP के साथ ईपी भी बढ़ा सकते हैं जो कि बाद में आपके काम आ सकती है। बैठे बाइक पे, बिल्कुल व्हीकल का, बिल्कुल व्हीकल का यूज करने के साथ साथ आगे की तरफ बढ़ते हुए दिखाई दिए जा रहे हैं और साथ में 2 players की बात की जाए और जो के एक टीम मुनी के A7 के गेमिंग रह चुके हैं, साथ में डॉक्टर बीनी के अनयूजुअल गेमर रह चुके हैं और दोनों में ही 1v1 की फाइट है और वो एक ही एरिया है, इस एरिया से बाहर नहीं जा सकते हैं आप। स्नोफॉल के एरिया से बाहर नहीं जा सकते हैं, नहीं तो काफी मुश्किल हो सकती है आपके लिए। अच्छा, दोनों का भी प्रॉपर तरीके से आमना-सामना भी नहीं हुआ है। बिल्कुल आमना-सामना नहीं, और सर्चिंग कर रहे हैं, कब से ढूंढ रहे हैं कि किस तरह प्लेयर मौजूद है। खैर अभी भी सर्च किया जा रहा है, देखा जा रहा है, व्हीकल का यूज है, स्नोफॉल के दरमियान रहना है। बाहर गए, अपना बुया गवा बैठोगे। A7K गेमिंग मुनी को रिप्रेजेंट करते हुए जो कि फ्री फायर के बहुत ही तगड़े पैड है और डॉक्टर बीनी जो कि मूवमेंट स्पीड में काफी आपके प्लेयर को एक मूवमेंट स्पीड में हेल्प करती है। वैसे ये गेम अभी किसी का भी हो सकता है, 5 पॉइंट्स हैं और कोई एक टीम है जो बहुत आसानी से 20,000 डायमंड्स लेके जा सकती है। और देखा जाएगा कि अभी के लिए 2 जो प्लेयर्स रह चुके हैं हमारे साथ, जल्दी से जल्दी, टाइम कम है आप दोनों के पास, जल्दी एक दूसरे के साथ मिलना है आपने, जल्दी करनी है आपने क्योंकि आप लोगों के पास टाइम नहीं है, जल्दी करीब आना है। come on, आमना सामना तो करें, जल्दी आना है, सरवाइव नहीं करना है, अनयूजुअल गेमर सरवाइव नहीं करना है आपने। यस, फाइटिंग करनी है। अनयूजुअल की भी बात करेंगे, देखा जाएगा कि उनकी जानिब से क्या देखने को मिल रहा है और बिल्कुल अनयूजुअल आगे की तरफ बढ़ते हुए दिखाई तो दिए जा रहे हैं लेकिन वेट भी किया जा रहा है, देखा भी दिया जा रहा है और करीब से करीब फाइट होगी 2 players के दरमियान। कौन लेगा इस मैच का बुया और किसके पास जाएगा? 5 पॉइंट्स का सवाल है और भाई 20,000 डायमंड्स का भी तो सवाल है। ओके, बिल्कुल फर्स्ट को मिलेंगे 20K डायमंड, सेकंड को 10K डायमंड और अपने लिए इस मैच में जो सेकंड पे आएगा 10K गवा बैठेगा। फोर्थ और थर्ड को मिलेंगे 5K डायमंड। फैसला किया गया लेकिन करीब आए डॉक्टर
लिए है वो यार लग रहा कामयाब और 5 पॉइंट भी अपने लिए लेने में कामयाब और काफी खुश भी दिखाई दिए जा रहे हैं क्योंकि इमोट किए जा रहे हैं जो कि एंड में बहुत ज्यादा और इन्होंने पहले ही कहा था कि हम तो जीत के जाएंगे हमें तो आइडिया है तो बिल्कुल भाई मुनी जीत चुकी है और एजेंट हॉप के हैं सिर्फ 6 डॉक्टर भीनी 7 येटी 4 और ऑफ कोर्स आपको मैंने बताया 12 सो कांग्रेचुलेशंस अभी के लिए एक और मैच भी खेला जाएगा yes. जो कि बैटल रॉयल का मैच है और ये डू और डाई सिचुएशन है बिल्कुल और उसके साथ-साथ उसके पॉइंट्स भी हम बताएंगे yes, लेकिन yes. उससे पहले टीम्स तैयार हो जाएं एक तो मैच हो चुका है आपका जिसमें हमने 5 राउंड्स खेले yes. और प्लस पॉइंट था डॉक्टर बीनी के लिए लेकिन कुछ उबले हुए अंडे इतने ज्यादा खा लिए थे जिसका फायदा नहीं हुआ इस बिजनेस का भी चलें 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 आर यू रेडी फॉर बैटल रॉयल चलें जी तैयार हैं वो तो रेडी बैटल रॉयल के लिए वो तो रेडी रेडी हैं हां जी डॉक्टर बीनी तैयार हैं लेट्स बिगिन द एंड ऑफ द अमेजिंग रेस व्हिच इज द बैटल रॉयल इन 3 2 1 गो चारों के चारों प्लेयर यानी कि हमारे पास मौजूद हैं दोनों ही टीम से अनयूजुअल है सारे के सारे प्लेयर अभी भी कोई भी बिल्कुल फैसला ले लिया गया फाइनली फैसला ले लिया गया अनयूजुअल की जानिब से और टीम नंबर 2 की अगर हम बात करें जो कि हमारे पास दिखाई दिए जा रहे हैं ये सेवन के गेमिंग और साथ में जैन गेमिंग इनके लिए बनता है यानी कि सीधा एमिंग और स्नो फॉल की तरफ आ चुके हैं बात की जाए इनकी जानिब से लूट इकट्ठी की जा रही है इस मैच का बूया बहुत ज्यादा जरूरी हो सकता है डू और डाई सिचुएशन बिल्कुल फोर्ट पे टीम येटी जरूर मौजूद है सर हाँ लेकिन 4 पॉइंट्स के साथ है और बूया लेते के साथ ही फर्स्ट पे डायरेक्ट फर्स्ट पे है अगर जिसे आपने लास्ट मैच में भी देखा था वहां पर बीनी डॉक्टर बीनी हमारे साथ लेते हुए भूया लेते हुए नजर आए सेवन के गेमिंग और साथ में जैन गेमिंग जो कि मोनी को रिप्रेजेंट करते हुए नजर आ रहे हैं अनयूजुअल गेमर की बात करेंगे जो डॉक्टर बीनी और साथ में जिदी पठान उनके साथ ही नजर आ रहे हैं डॉक्टर बीनी को रिप्रेजेंट करते हुए नजर आ रहे हैं टीम नंबर 4 की बात की जाए जो कि हमें देखने को मिला ए जे गेमिंग और साथ में एच वाई डी स्क्वाड जो कि येटी को रिप्रेजेंट करते हुए नजर आ रहे हैं तो पैड्स भी काफी वेट कर रहे हैं पैड्स भी फाइट का कब होगी फाइट और कब भाई आप सब लोग शुरू हो जाएं मतलब लड़ें जंग है ये बिल्कुल अब अपने बूया लेना है और सर्वाइव आपके लिए कुछ हद तक टाइम लग सकता है कि लूट कर लेंगे अवार्ड भी बहुत ज्यादा है ऐसा भी नहीं है कि कम है बिल्कुल 20K डायमंड्स इन गेम मिलेंगे आपको और ये चीज जो कि बहुत ज्यादा टेंशन नजर आ रही है फिलहाल के लिए मिली वेपन का यूज देखने को मिल रहा है शॉट मार जाए लेकिन अपने ही एक प्लेयर मौजूद है तो इसलिए वो कोशिश कर रहे हैं प्रैक्टिस सब प्रैक्टिस कर रहे हैं हेड लग जाए कहीं ना कहीं लेकिन वो लग नहीं सकता है टीम नंबर 2 की बात करें और अटैक आया डाउन करने का खर्चा हो सकता है यहाँ पे काफी डैमेज टीम नंबर 1 के अबीब गेमिंग का कंफर्म कर दिया गया है और साथ में आरकेजी आर्मी अपने आप को तना पाते हुए काफी तगड़े शॉट लगाए जा रहे हैं काफी मुश्किल सूरत हाल शट डाउन कंफर्म कर दिया गया है और एजेंट हॉप को नाराज भी कर चुके हैं नाराज कर चुके हैं सर एजेंट हॉप बिल्कुल भी आपके साथ नहीं है वो नाराज हो चुके हैं वो कह रहे हैं कि नहीं बिल्कुल भी ऐसी टीम मुझे नहीं चाहिए थी लेकिन खैर कोशिश की गई अभी फोकस किया जाएगा नंबर 4 पे जो टीम मौजूद है कौन सी येटी इनके पास मौका है बिल्कुल, बिल्कुल, इनके बिल्कुल, पास बिल्कुल, मौका है और अब और ज्यादा मौका हो सकता है क्यों एक टीम जा चुकी है जो कि इनके टक्कर में नजर आ रही थी चले जी एक भला टली एक भला गई और फिलहाल के लिए अभी के लिए बात की जाए इनकी जानिब से जो कि वेट किया जा रहा है और अगर हम एक किल की बात करें जैन गेमिंग हमें एक किल करते हुए दिखाई दिया गया और साथ में एजे गेमिंग एजे गेमिंग के पास भी एक किल मौजूद है यानी कि 2 टीम्स ने मिलकर
एजेंट हॉप की टीम को निशाना बनाया है। मुझे लग रहा है उन्होंने आपस में सेटिंग की हुई थी कि अगर तुम जीते तो हम इतना इतना कर लेंगे। एजेंट है वो, इसलिए उनको जरूरी था, इसीलिए दो टीम्स मिलकर उनको यहाँ पे कंफर्म करने में कामयाब रही है। और क्या दिल दिल बांट रहे हैं आप, इमोट्स कर रहे हैं, इमोट्स हैं? वो उनको इतनी खुशी हो चुकी है इस टीम को जो कि एजे गेमिंग है, HYD स्क्वाड, ये टीम है ना, मौका मिल गया है, खुशी के लम्हात नजर आ रहे हैं, वो जीत सकते हैं, बिल्कुल जीत सकते हैं। अब देखें, मैंने आपको मैच शुरू होने से पहले कहा होप नॉट आउट, तो होप है अभी भी यहाँ पे। जो आप राउंड देख रही हैं आपके सामने, ये जो राउंड नजर आ रहा है, एक प्लेयर एक करेक्टर का यूज कर रहे हैं जो कि फ्री फायर का काफी मजबूत करेक्टर है, और इसमें आपकी जो टीपी होती है वो एक्चुअली में कन्वर्ट। ओ ओ ओ, जिद्दी पठान इज गॉन, जिद्दी पठान जो कि बहुत ज्यादा जिद करते हुए दिखाई दिए जाते हैं, वो अब हमारा साथ छोड़ चुके हैं। एक ही प्लेयर अनयूजुअल के ऊपर गहरी जिम्मेदारी, डॉक्टर बीनी, बिल्कुल अभी एटी के पास और ज्यादा मौका मिल चुका है क्योंकि मुखालिफ सामने की तरफ मौजूद हैं। A7 की गेमिंग और जैन जो के फर्स्ट पे है मूनी से, और बिल्कुल सर्वाइविंग का बिल्कुल नुकसान हो चुका है। A7 की गेमिंग हमारे दरमियान से क्या जाते हुए दिखाई दिए जा रहे हैं। एक एक किल ले लिया गया है इनकी जाने से, एक किल इकट्ठा कर लिया गया है, लेकिन अभी के लिए बात की जाए जो के तीन की टीम्स हमारे साथ देखने को मिल रही है। अनयूजुअल अब बहुत ज्यादा रुक चुके हैं, वेट किया जाएगा उनकी जानिब से क्योंकि सर्वाइव बहुत ही ज्यादा जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है क्योंकि एक प्लेयर जा चुका है आपसे, अब आपके लिए कोई ऑप्शन नहीं है सर्वाइव करने। देखिए सर, आपका एक प्लेयर गया यानी कि आप फाइट लेंगे, डायरेक्ट किल हो रहे हैं यानी कि खत्म हो रहे हैं, डाउन तो आप ऑप्शन ही नहीं बचा ना आपके पास, आप डाउन नहीं हो सकते, आप क्लियर हो रहे हैं। टफ है, टफ है, बिल्कुल फिलहाल के लिए टीम नंबर टू हमारे साथ अभी भी मौजूद हो, काफी लोग बिल्कुल 12 पॉइंट के साथ पहले भी मौजूद थे और 10 पॉइंट और प्लस करते हुए नजर आए जो कि एक अच्छा मौका था टीम यटी के पास, एक अच्छा मौका था। दो टीम्स जा चुकी थी जो के दीवार बनते हुए नजर आ रही थी, टीम डॉक्टर बीनी, एजेंट होप, आखिर में लास्ट होप, लेकिन वो भी गई। तो अब मैं आपको स्कोरिंग बताती जाऊं। नंबर वन, हम एक्चुअली स्टार्ट करेंगे लोवेस्ट से, ठीक है। सो नंबर फोर वी हैव यटी विद 4 पॉइंट्स, हमने आपको मौका दिया लेकिन आपने गवा दिया। And then we have Asian Hop at 6 points. Then we have Dr. Beanie at 7 points. And the winner, Mooney with 22 points. Well played, Mooney. आपको 20,000 जो है diamonds ऐसे नजर आ रहे। आ चुकी है जब हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे प्राइजेस, और मुझे तो बहुत खुशी होती है जब कोई अवार्ड मिलता है। तो आपको नहीं मिल रहा है, इस चीज का बहुत अफसोस है, टीम्स को मिल रहा है, मैं तो दे लेकिन आप दे रहे हैं, ये काफी अच्छी बात है। चलिए जी, सो हम फोर्थ से स्टार्ट करते हैं। फोर्थ प्लेस पे हमारे पास है टीम यटी विद 4 पॉइंट्स, सो प्लीज कम ऑन द फोर्थ पोजीशन। बहुत अच्छा मौका था, बहुत अच्छा मौका था, लेकिन बैड पैच, हार्ड लक, वेरी वेल प्लेड, हार्ड लक। एंड नाउ एजेंट हॉप, which is the third, so 6 points, not bad, not bad, that ki mukabla kiya hai aap logon ne bhi, and exciting, second number pe hai hamare saath Dr. Beanie with 7 points, aa jaye apni jagah pe aur aap, with 22 points, oh our first winner is Mooney, और सबसे पहले मैं टीम से गुजारिश करना चाहूंगा, प्लीज हमें ये कार्ड दे दें
ताकि अब इनको आपने सिर्फ हमने देना है ना, वापसी ले लेना ना ये। अरे नहीं 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 कोई देना है। ये फाइव का जो प्राइस पूल है ये होता है आपका मिलते हैं और अब जो होगा कार्ड वो तो और ज्यादा भारी होगा क्योंकि वो 20,000 हीरे हैं भाई। और साथ में सरहा थोड़ा ऊपर भी करके देना पड़ेगा, फर्स्ट पे भाई, फर्स्ट पे। सो मूनी गेट्स 20K डायमंड्स, डायमंड्स का बोर्ड दिया जाए। थैंक यू प्लीज़। To log in to 25.12 to experience this amazing map. Alpine. And this was an amazing race. So now we're signing off. We had a great time. Until next time, do not forget to like, share, subscribe to the channel and to explore this map on 25th December. बिल्कुल, और अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा और लाजमी चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना है, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे इसलिए सेट करना है क्योंकि जो भी न्यू अपडेट्स के बारे में नोटिफिकेशन आएगी सबसे पहले आपको मिलेगी। बिल्कुल, और थैंक यू सो मच, अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल रखें। मैं सलू अफरीदी, मेरे साथ सरहा और हमारी पूरी टीम, लेके आप लोगों से इजाजत। नया क्या है फ्री फायर में? सब्सक्राइब करो, मालूम करो।